उसकी बूंद सी होती है बेटियां, दुख हो माँ बाप पर तो रोती है बेटियां, दुख हो माँ बाप पर तो रोती है बेटियां, माँ बाप पर तो रोती है बेटियां, रोती है बेटियां। बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं, दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या संतान नहीं। बेटी का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं, दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या संतान। बंधुओ, मेरा कहने का मतलब ये है, बेटा बेटी में कोई भेद मत करो। आपको बेटा भी देगा, पर बंधुओ बेटी भी देगी। अगर स्वार्थ की बात करते हैं तो मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। बेटा बेटी से जो उपेक्षाएं हैं वो सब मिलेंगी। लेकिन एक बात बताऊं, दहेज देना है और दहेज लेना है। दहेज के रूप में लेना है तो शिक्षित बेटी, और दहेज देना है तो शिक्षित बेटी ही दूसरे के घर में भेजो। अन्यथा ये धन दौलत तो बंद हो आज है, कल नहीं है। अगर बंधुओं बच्चों के लिए कुछ धन देना है तो ज्ञान का धन देकर के भेजो, जिससे हमारे बच्चे किसी के आश्रित ना रहे। बामन भगवान बेटे के रूप में आए, बड़ी प्रसन्नता छाई। बामन भगवान देवताओं का कार्य करने के लिए राजा बलि के द्वार पर जा पहुंचे। बलि ने स्वागत सत्कार किया, चरण धोए, उच्च आसन देकर के बैठा दिया। बंधुओं चरणामृत ग्रहण किया, हाथ जोड़कर के चरणों के पास में बैठ गया। और पता है, बामन भगवान के रूप को देख करके वहां जो ऋषि मुनि थे सब बड़े प्रसन्न हो गए कि तुम बिटुम बामनम दृष्ट्वा मोदुमाना महर्षया। उस सुंदर ब्राह्मण के बालक का दर्शन करके ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हो गए, कहने लगे धन्य भाग्य है हमारे जो ऐसे ब्रह्मचारी वटु के दर्शन हमें हुए। राजा बलि बड़ा धन्य है जिसे ऐसे ब्राह्मण के चरण धोकर के चरणामृत लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बंधुओ, राजा बलि असुर कुल में जरूर पैदा हुए हैं, लेकिन वैदिक रीति का पालन कर रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी ये सनातन संस्कृति कहती है, संतों की, ब्राह्मणों की, देवताओं की, गायों की सेवा करने से हमें सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। तो बंधुओं, वो 99 नहीं बल्कि 101% सच बात है। आप गौ सेवा करके तो देखो, आप विप्र सेवा करके तो देखो, आप संत सेवा करके तो देखो। अरे बंधुओं, कई बार ऐसी बातें समाज में हुआ करती हैं, होती रहती हैं, सतयुग से होती रही हैं। कई बार ये संत विप्र ब्राह्मणों के वेश में दुराचारी आ जाते हैं, जिनके कारण पूरे समाज बदनाम हो जाया करते हैं। बंधुओं, कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोग इनके ऊपर अपने स्वार्थ के लिए भी कीचड़ उछाला करते हैं।
संत विप्रो पर तो जिसने समाज की सेवा की है, वो चाहे संत रहा हो, चाहे ब्राह्मण रहा हो, चाहे कोई नेता रहा हो, चाहे समाज सेवी रहा हो, उसे बदनाम करने के लाखों तरीके भी लोगों ने अपनाए हैं। और बंधु एक बात मैं आपको बता दूं, इन लोगों को संत विप्र और राजनेता जो हुए हैं, इनको बदनाम करने के लिए कोई ज्यादा बड़ी चाल चलने की जरूरत नहीं है। स्त्री शक्ति को आगे कर दो बंधु, इनकी कीर्ति को कलंकित करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ बिकने वालों की कमी नहीं है। यहाँ 10 रुपए में चौराहे पर खड़ा हुआ एक पुलिस वाला बिक जाता है, पोस्ट ऑफिस में जाओगे एक डाकिया बिक जाएगा, किसी भी सरकारी दफ्तर में जाओगे उसे आप खरीद सकते हो। ईमान बेचने वालों की कमी नहीं है बंधु, आप चौराहे पर जाकर के अरे मोल लगाने वाला चाहिए। यहाँ बिजनेसमैन भी बिकता है, यहाँ राजनेता भी बिकता है, यहाँ धर्म के ठेकेदार भी बिक जाया करते हैं। कोई मोल लगाने वाला तो हो, उचित मोल तो लगाए, और उसी के कारण बंधुओं इस समाज बदनाम हो जाया करता है। लेकिन बंधुओं सारे लोग ऐसे भी नहीं हैं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। एक पुलिस अफसर अगर ईमानदार है तो 100-100 किलोमीटर के एरिया में भय छा जाता है कि उसका ट्रांसफर होकर के आ गया है, चोर बदमाश लुटेरे चुप बैठ जाते हैं। एक अफसर अगर ईमानदार कहीं चला जाए तो हड़कंप मच जाता है। ईमानदारी में वो ताकत है बंधुओं, ईमानदारी कड़वी तो है, ईमानदारी में कठिनाइयां तो हैं, ईमानदारी में परीक्षा तो होती है, लेकिन ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाले लोगों को जीते जी कीर्ति मिलती है, और मरने के बाद में भी कीर्ति मिलती है। सच्चाई की राह कठिन तो है, लेकिन चल करके देखिए बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है। संत विप्र गौ ब्राह्मण अधिकतर इन रास्तों पर चलते हैं, हर मुसीबत को झेलते हैं, हर बदनामी को झेलते हैं। लेकिन बंधु एक बात बता दूं, अगर कोई गलत है तो सरेआम सरकार फांसी दे, कोई बुराई नहीं। अगर कोई सच्चा इंसान है तो फिर राधे राधे, जो गुनाहगार हैं उन लोगों को भी फांसी मिलनी चाहिए। जो बिना बात के किसी का समय बर्बाद करें, बिना बात के किसी पे आरोप लगाएं, बिना बात के किसी पे लांछन लगाएं, उन लोगों को भी बराबर दंड मिलना चाहिए। किसी का समय, किसी का यश, किसी की कीर्ति बदनाम करते हुए लोगों को जरा भी झिझक नहीं आती, जरा भी शर्म नहीं आती बंधुओं, क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था लचर है। इसलिए आज हमारा न्याय बिकता है, आज हमारे न्याय में हत्यारों को राधे राधे बेल मिल जाती है, जो 5-5 हत्याएं करते हैं ऐसे लोगों को राधे राधे 1 मिनट में बेल मिल जाती है, पैसे के दम पर बिक रहा है भारतवर्ष में न्याय। और जब तक न्याय बिकेगा तब तक भारतवर्ष का उत्थान होना संभव नहीं है। न्याय होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। अपराधी है सजा दो, सरेआम चौराहे पर दो, और अपराधी नहीं है तो जिन्होंने अपराधी उसे बनाया है उनको सरेआम फांसी मिलनी चाहिए। बंधुओं जो समाज सेवा में आगे बढ़ा है उसे इन आंधी तूफानों का सामना करना पड़ता है। राजा बलि भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं, संत विप्रों की सेवा कर रहे हैं। और बंधुओं पता है आज एक ब्राह्मण इनके घर आया और उसका सम्मान किया है। पूछा भगवान कहिए मैं क्या सेवा करूं, बामन भगवान ने 3 पग भूमि की याचना की, लेकिन 3 पग भूमि मांगने से पहले 3 वचन ले लिए कि राजा बलि असुर कुल में पैदा हुआ है, कहीं मुकर ना जाए। राजा बलि ने 3 वचन दे दिए, लेकिन गुरुदेव को बुलाया, संकल्प करा करके तो दान करूं। गुरुदेव आए, देखा, पहचान लिया, अरे ये तो बामन भगवान के रूप में नारायण आ गए। अरे बलि तुझे तो लूटने के लिए आया है ये ब्राह्मण, तू लूटना चाहता है, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये नारायण है। बलि खुश हो गया, प्रसन्न हो गया कि आज मुझे लूटने के लिए मेरे घर नारायण आ गया। प्रेम से बोलो राधे राधे।
अरे लुटना है तो ठाकुर से लुटो ना, दुनियादारी से लुटोगे तो क्या लुटोगे। बंधु एक बात बताऊं, कई लोग हम प्रवक्ताओं को कहते, कई लोग हमारे वृंदावन में रहने वाले पंडा पुजारियों को कहते, महाराज बड़ी लूट है भैया, वो हमारो ठाकुर लुटे रो तो हम चोनाई लूटे। प्रेम से बोलो राधे हैं जी, लूटनो चाहिए ना, और हम ज्यादा ना लूटे, हम तो लूटे प्रेमचंद गुप्ता जी जैसे लालान को, छोटे मोटे तो कहाँ लूटे प्रेमचंद। प्रेम से बोलो राधे भैया, पैसा ना लूटे, तुम सोच रहे हो कि पैसा लूटे, हम तो लूटते ऐसे ही हैं कि लाला जी को येन केन प्रकारेण धर दिया आगे, आज आप बैठे हो ना उस लूट की वजह से ही बैठे हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे हमें मौका मिला है, मानव जीवन मिला है, अरे उसने हमें सब कुछ दिया है, ऐसा मौका तो मिले कि हमें कोई लूटने वाला ब्राह्मण बन करके आ जाए और हमें लूट ले। प्रेम से बोलो राधे। बंधुओं ठाकुर के नाम में कभी लूट नहीं है, बल्कि तो ठाकुर के दरबार में क्या है कि राम नाम की लूट है। अरे लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएंगे जब प्राण जाएंगे छोड़। बंधुओं हम तो लुटाने के लिए आए हैं, हम खुद भी लुटाते, लूटते तो लुटाते भी तो हैं, पर बंधुओं ऐसी लूट का तो आनंद ही अलग है। तो जी औरत नारे श्याम के ने लूट के ले गया दिल जिगर, श्री राम है सांवरा जादू कर, सांवरा जादू सांवरा जादू सांवरा राधे राधे। जो लुटना चाहते हैं बिहारी जी से हाथ उठा करके तालियों की सेवा करें और खड़े हो जाएं, जो लुटना चाहते हैं। प्रेम से बोलो राधे। Sorry, Dad.
बात आखिरी हो जाए, अरे न जाने कौन सी रात आखिरी हो जाए, जरा हाथ उठा करके ताली तो बजा लो, न जाने कौन सी मुलाकात आखिरी हो जाए। अरे भावे सभी लोग दोनों हाथ से ताली सेवा करते हुए बड़े भाव से
ओ बांध लिए मैंने तुझसे आशा की डोरी, बांध लिए मैंने तुझसे आशा की लड़िया, जीवन की तमन्ना, जीवन की खेतिया की घड़िया, चरणों में गोपियां लुटती थी नहीं, किसी से मेरे ठाकुर टैक्स मांगते, रास्ते में आ जाते, कहते दही को दान चाहिए गोपी, दूध को दान चाहिए गोपी, माखन को दान चाहिए गोपी। गोपी ने कही सरापत में मांग रहे हो, कहे कोई और चक्कर है, बोले टैक्स चाहिए सरापत में, कहीं कुएं प्रेम से बोलो राधे। गोपी पूछ रही है, बोले ठाकुर एक बात बताओ, बोले पूछो, बोले टैक्स काय बात को, अभी तो तुमने रास्ता पक्को ना करवायो, बोले मिट्टी तो डलवाई रही है यहाँ पे प्रेम से बोलो राधे। हाँ बोले तो अभी पक्को तो करवाओ, टैक्स तो जब ही देंगी तुमको, क्यों जी रास्ता बढ़िया हो तो टूल टैक्स देवे में कोई परेशानी ना आए, क्यों जी भाई भलाई बचत हो, गाड़ी के टायरों को खर्चा कम, ब्रेक भी लगानी पड़े वो भी खर्चा कम, खड्डे में टायर जाके फट जाए तो राधे राधे एक्सीडेंट की भी संभावना कम, रोड बढ़िया हो तो टैक्स देवे में कोई बुराई ना। लेकिन जब ही तो यहाँ पे मटकी पड़ी है और अभी तो ही ठाकुर जी टैक्स मांगने, बोले जब तुम दोगी तभी तो राधे राधे काम शुरू होएगो, लेकिन लाला तो दूध दही को टैक्स ये तो कोई मतलब ना है। बोले गोपी टैक्स देनो पड़ेगो, बोले लाला रास्ता कोई ना तो तुम्हारो ना तुम्हारे बाप को, बोले राज कौन को है, बोले राज तो खैर तुम्हारो ही है, तो फिर रास्ता कौन के हुए, बोले भैया रास्ता तो पंचन को हुए प्रेम से बोलो राधे। हाँ गोपी बड़ी प्रसन्न होती और जब नहीं मिलता ना पता है ठाकुर जी फिर मारते पत्थर पूरा मटका फूट जाता। गोपी शिकायत करती मैया से जा करके, शिकायत इसलिए नहीं करती कि क्यों माखन खाया है, क्यों माखन लूटा है। कई बार ग्वाल वाल राधे राधे टूट पड़ते, माखन मिश्री लूट करके भाग जाते। गोपियां तो चाहती थी कि ठाकुर लूटे और हम लूटे, बड़े सौभाग्य की बात है बंधुओं। गोपियां तो इस बहाने शिकायत के बहाने जाती और पता है लाला के दर्शन करने के लिए जाया करती बंधुओं। लेकिन यहां तो बलि को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, घर बैठे लुट रहे हैं। शुक्राचार्य जी ने आकर के बताया, बोले लाला अरे ये जो तुम्हारे यहाँ आए ना
वही बात हो गई, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, अरे बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। शुक्राचार्य जी ने पहचान करवा दी, बोले लाला जिनके लिए तू यज्ञ कर रहे हो ना, अरे वो तो तेरे पास में आए गए। बोले कौन? बोले नारायण। नारायण को अगर अपने अधिकार में लाना है, अपने बस में करना है, तो यज्ञ करना ही पड़ेगा। ठाकुर अपने आप चल करके आएंगे। बंधुओं, राजा बलि ने यज्ञ इसीलिए किया कि देवताओं पे विजय तो मैंने प्राप्त कर ली, लेकिन देवताओं का जो मालिक है ना नारायण, उसके ऊपर विजय कैसे हो? तो गुरुदेव ने बताया कि यज्ञ करना पड़ेगा। बोले हम तो असुर हैं, हम हमारा यज्ञों से कोई मतलब नहीं, हम तुझे यज्ञ नहीं करवाएंगे। बलि ने कहा अगर नारायण यज्ञ करने से बस में होता है तो फिर यज्ञ जरूर होगा। अब शुक्राचार्य जी सोच रहे हैं कि अब तो राधे राधे गड़बड़ हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो ये जितने भी असुर मेरे चेला है ये बृहस्पति जी को गुरु बनाए ले, क्योंकि चेला बहुत जल्दी बदल जाए। आज अपने या गुरु के ढोरे और या गुरु पे देखी के हल्को हाथ है गुरु को, खर्च पानी ठीक ना है, खाए रहे गुरु जी, तो दूसरे गुरु जी के ढोरे पट देसी ना पहुंच जाए। बोले आज से तुम हमारे गुरु जी, प्रेम से बोलो राधे। हाँ गुरुजी के आश्रम की व्यवस्था नहीं, गड़बड़ होए। बोले गुरुजी के यहाँ इनके यहाँ कछु है ही ना, ये तो कमरा उन्हें बना रहा है, क्यों दूर माटी में जो हिंडाड़ दिए। सो राधे राधे हम तो ऐसा गुरु देखे कोई जो एसी वेसी को मामला हो। प्रेम से बोलो राधे। अरे भैया गुरु बदलने की चीज ना है, गुरु तो जो बन गया एक बार जीवन में वो हमेशा रहेगा। और वो चाहे कामी हो, वो चाहे क्रोधी हो, वो चाहे लोभी हो, अगर निर्दोष गुरु ढूंढना चाहते हो तो बंधुओं ठाकुर जी को गुरु बना लो, उसमें कोई दोष नहीं है। अगर मानव को गुरु बनाओगे उसमें दोष जरूर मिलेंगे, और बंधुओं उस दोष को अगर आप स्वीकार कर सको, इतनी हिम्मत तुम्हारे अंदर है तो मानव गुरु बनाना, नहीं तो मेरे ठाकुर को गुरु बना लेना। प्रेम से बोलो राधे। मानव देह में मानव को गुरु बनाया है, अगर उसमें कोई कमी है तो कोई बड़ी बात नहीं है जी। आप सोच रहे हो बड़ी बात है, हाँ पूछो क्यों बड़ी बात नहीं है। ये देह माटी से बने हुए, काहे से बने हुए? माटी से। अब भगवान ने कोशिश तो करी के बढ़िया वारी या माट में माटी लगाई जाए, पर माटी में भैया कहीं ना कहीं तो दोष रह ही जाए ना, या तो माटी में कई बार दोष रह जाए, या घड़ा पकाते टाइम भी थोड़ा बहुत दोष रह जाए, और कई बार घड़ा पकाते टाइम भी दोष ना हो तो संसर्ग में जाए के दोष लग जाए। बंधुओं कोई बिरला ही शख्स मिलेगा जिसमें दोष ना हो। जब नारद जैसे ऋषि मुनि फेल है गए तो हमारी तुम्हारी तो बात ही अलग है। हाँ जिन्होंने काम पे विजय प्राप्त करने का डंका बजा दिया, मैंने सबको जीत लिया, अरे जब वो विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ गए हो तो भैया हमारी तुम्हारी बात तो अलग है। अच्छा एक बात और बताऊं मैं, लोगों ने काम को पता नहीं क्या समझा हुआ है कि अगर व्यक्ति कामी है तो उससे दूर रहो, क्रोधी है तो दूर मत रहो, ईर्ष्या करता है तो दूर मत रहो, छल करता है तो दूर मत रहो, काम ये तो दूर रहो। काम इतनी बुरी चीज ना है जितने तुम समझ बैठे हो। अगर काम ना हो ना तो व्यक्ति ब्रह्म बन जाए, क्रोध पे विजय मिल जाएगी, ईर्ष्या पे विजय मिल जाएगी, छल पे दम्भ मिल जाएगी। सबसे बड़ा शत्रु अगर मानव का कोई है तो वो काम है, इस पे विजय तो नारद भी नहीं पा पाए। हमारी तुम्हारी बात तो अलग है बंधु, ये तो अगर इस पे अगर विजय मिल जाए तो समझ लेना कोई ठाकुर का परम भक्त होगा, उसी को मिल सकती है। मान लो व्यक्ति शरीर को रोक लेगा, मन को रोक लेगा क्या? क्यों जी नहीं रोक सकता ना। आठ प्रकार से ब्रह्मचर्य क्षीण होता है। अगर चलो मन को भी रोक लिया, अगर गलती से अगर किसी पशु पक्षी को भी रमण करते देख लिया ना तो समझ लो वो भी व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं है। देखने से भी ब्रह्मचर्य क्षीण होता है, तो आप कैसी बात करते हो और इस मानव समाज में खोजते हो, और वो भी पाश्चात्य संस्कृति के टाइम पर खोजते हो कि ऐसा कोई गुरु मिल जाए जो कामी ना होए, क्रोधी ना होए, लोभी ना होए, लालची ना होए। क्यों जी? अरे ऐसे ऋषि मुनि तो आपको अगर मिलेंगे तो हिमाचल में जाकर के मिलेंगे। ये हम लोग तो राधे राधे, हम तुम लोग तो सब आम लोग हैं, और ऐसे उसमें तो मुश्किल चांस है। और बंधु अगर कोई है तो समझ लो उसके ऊपर ईश्वर की इतनी कृपाएं हिमाचल में रहने वाले ऋषि मुनियों के पास में नहीं है जितनी उसके ऊपर है। समाज में रह करके मेरे गोविंद स्त्रियों के बीच में रहे,
देखो हिमाचल में चला गया, दुनियादारी से दूर चला गया, उसने अगर ब्रह्मचर्य का पालन किया, वो अगर काम ही नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बंधुओं जो स्त्रियों के बीच में रहे, संसार में रहे, अगर वो काम ही नहीं है, वो सबसे बड़ी बात है। वो है पक्का ब्रह्मचारी, वो है पक्का योगी। और ऐसा तो एक ही है मेरा ठाकुर, जो 16108 विवाह कर लेता है फिर भी योगी है, फिर भी भोगी नहीं है। जो हजारों लाखों करोड़ों स्त्रियों के साथ में जाकर के नाचता है फिर भी योगी है। कामदेव डर करके भाग जाता है फिर भी योगी है। ऐसा तो एक ही है, कृष्णम बंदे जगत गुरु। और एक बात बताऊं, अगर गुरु में दोष भी है तो गर्व से कहो हमारे गुरु में ये दोष है। क्यों सर झुका के कहते हो? एक ही तो है, 99 तो गुण ही गुण है, एक दोष है तो कहा भयो क्यों जी? मेरे ठाकुर जी तो ऐसे दयालु हैं कि 99 अवगुण होए, अरे एक गुण होए बाए अपनाए ले ए, और तुम में ऐसी भी क्वालिटी ना है, गुरु में एक अवगुण है गयो बाए ना अपना सको क्यों जी? वैसे अपने आप को कहते हो हम भगवान के भक्त हैं, कंठी तुरंत तोड़ के दे तो यार गुरु जी तुम में क्रोध ज्यादा है, लो अपनी कंठी संभालो। अरे मूर्ख लोगो, ऐ भले आदमी हो, गुरु कोई ऐसी दल बदलू चीज ना है कि गुरु क्रोधी है तो छोड़ दियो, कामी है तो छोड़ दियो, लालची है तो छोड़ दियो। अरे आनंद ले उस चीज को, हमारा गुरु लालची है जेब में ते पैसा ले ले, अरे अधिकार है लालची ना है, तू चेला है वा को जब ले ले। गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कछु।